कुल्लू मंडी हाईवे बंद होने की वजह से कई लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। लंबे समय तक रास्ता नहीं खुलने की आशंका के बीच अब लोग पैदल कई कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। संवाददाता मोहित की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंडी के 7 मील 9 मील और पंडो इलाके में जो लोग फंसे हैं वो अपने परिवारों और बच्चों के साथ वहाँ से आ रहे हैं पैदल ही ट्रैक करके। कैसा रास्ता है सर? हम आए बाया शिवधार होके ग्रहण पुल से पैदल। बड़ी बुरी हालत है सर। कितने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं? हम आगे 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल के। तो अभी बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लेके हमारे घर मंडी में है तो हम घर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ फंसे हुए थे आप? यहाँ फंसे हुए, गाड़ी हमारी वही है 9 मील में। हाँ जी। तो कैसा रास्ता है, ऐसी खतरनाक तरीके से पैदल चल के आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत बुरा रास्ता है सर, बड़ी मुश्किल से आए हम। तो बच्चों को भी सावधानी से लेकर आए? हाँ जी सर। बच्चों को खाना वाना मिला वहाँ पर? खाना पीना पीछे से करके, अब बीच में कुछ भी नहीं किया। हाँ जी। तो बीच में कुछ नहीं मिला। देखिए, परिवार यहाँ पर फंसा हुआ है और हाईवे जो हम आपको बता रहे हैं कि हाईवे पूरी तरह से बंद है और यहाँ तक जाने के लिए अब देखिए ये जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी गई हैं जो मलबा हटा रही हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है हाईवे को खुलवाने का। तो यही स्थिति है। ये तस्वीरें हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। अब तक यहाँ पर कोई भी TV चैनल नहीं पहुंचा है जो यहां की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा पाए कि हिमाचल प्रदेश में क्या तबाही मची है। कुल्लू मंडी हाईवे पर सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट। मंडी से आगे कुल्लू जाने का जो हाईवे है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से ध्वस्त हो चुका है। मैं इस वक्त मंडी के 4 मील पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए, मैं जहां इस वक्त नीचे बैठ गया हूं, यहां पर हाईवे पर आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं और पूरा हाईवे का एक हिस्सा जो है वो बह चुका है। आप देखिए कितना खतरनाक है, यहाँ पर पैदल चलना भी काफ़ी रिस्की है। ऐसे में इस हाईवे को तैयार करने में, फिर से शुरू करने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। ऊपर से जो लैंडस्लाइड होकर पत्थर आए थे उन्होंने इस हाईवे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि यहाँ इस तरह से कैसे हो सकता है। आपने कितने साल बाद ऐसी तबाही देखी है? हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी तबाही देखी है क्योंकि हम भी यहाँ KMC कंपनी के ठेकेदार हैं और ये जो स्लाइड है 11:30 बजे आया सुबह और ये पूरा बह गया नीचे। ये सारा ये हाईवे होता था पूरा धस चुका है। पूरी तरह से धस चुका है और आगे भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। जी, तो आगे भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है और आगे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं जो 7 मील 9 मील और पंडो इलाका है वहां तक जाने के लिए। यही पैदल ट्रैकिंग का ही एकमात्र रास्ता है जहां पर अभी हम चल रहे हैं और आगे जाकर जो आगे के हालात हैं जो कि अब तक TV पर रिपोर्ट नहीं हो सके हैं वहां पर जाकर वहां की अनदेखी और तबाही की भयानक तस्वीरें आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में आई आफत के बाद खतरे में है कई सारी इमारतें। एक और इमारत गिरने की कगार पर है, 6 मंजिला इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इमारत को खाली करा लिया है। हिमलैंड में 2 दिन पहले ही लैंडस्लाइड हुई थी और इसके बाद एक और इमारत पर अब खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस इमारत को खाली करा लिया है लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस 6 मंजिला इमारत पर अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस इलाके में लैंडस्लाइड जो है वो लोगों के लिए आफत बनकर आई है। शिमला में अब कई और इमारतों पर यह खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटा तो मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा मलबे, पत्थरों और चट्टानों से पट गया। यहाँ हाईवे किनारे बने एक होटल की पूरी मंजिल ही मलबे में समा गई। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे से संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्या भारी तबाही हुई है, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए, एक होटल है, नीचे एक भोजनालय है और ऊपर एक होटल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, बगल से जो पहाड़ से जो मलबा आया है, तेज जब बारिश हो रही थी 12 और 13 अगस्त को, तब ये पूरा का पूरा जो मलबा है यहाँ पर अपने साथ भारी भरकम चट्टाने, पत्थर, दलदल सब बहाकर ले आया। बादल फटने के कारण ये घटना हुई और आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ ये इस वक्त हरीश कुमार जी हैं जिनकी ये संपत्ति है। लेकिन इनका जो भोजनालय था उसका सिर्फ यहाँ नीचे आप देखिए, यहाँ नीचे हम बैठकर अगर आपको दिखाएं तो नीचे यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है, शटर का देखिए आप क्या हाल है। नीचे पूरी दलदल और मलबा भरा हुआ है और काफ़ी
जो पैसा लगाया गया था इस होटल को बनाने में, भोजनालय को चलाने में, आप देखिए उसका सिर्फ यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही है कि बिल्डिंग पूरी तरह से धंसने से बच गई है। हरीश कुमार जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, काफ़ी बड़ा नुकसान आपका होते होते बच गया, जान तो बच गई ना? जान बच गई जी सर। तो कैसे हुआ, एकदम से ये मलबा सैलाब आ गया? एकदम आ गया, रात सुबह के टाइम आया जी। तो अभी बिल्डिंग सेफ है, गिरने के आसार तो नहीं है? बिल्डिंग सेफ है, गिरने का कोई आसार नहीं है बिल्कुल। जो भी तो परिवार को कहाँ ले गए आप? परिवार तो मेरा मंडी में ही रहते हैं जी, इधर मेरे दोस्त रहते थे। अच्छा, इधर ये होटल चलाते हैं आप? हाँ जी। तो फिर आप लोग जब ये सैलाब आया तो कैसे जान बचाई आप लोगों ने? सर हम रात में चले गए थे, 2-3-4 बजे लगभग, जब बारिश हो रही तब निकल गए थे। तब निकल गए थे। हाँ जी। तो अभी इसके अंदर कितना सामान आपका खराब हो गया, जो होटल है इसका कितना नुकसान हो गया? ये तो कम से कम कोई 1.5-2 लाख का सामान खराब हो गया। आप देखिए कितनी तबाही यहाँ पर मची है हिमाचल में, और लोग बस अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि और बारिश ना हो, क्योंकि अगर और बारिश होती है तो लैंडस्लाइड की घटनाएं होंगी, बादल फटने की घटनाएं होंगी, और भी बुरे हालात हिमाचल प्रदेश के हो सकते हैं। तब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में कहां कहां तबाही आई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो ये देखिए नक्शे के जरिए आपको समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए, कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर जगहों की बात करें तो कांगड़ा, मंडी, सोलन और शिमला, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित में से हैं। सबसे ज़्यादा तबाही की अगर बात करें तो यहीं पर आई है, कांगड़ा, मंडी, सोलन और शिमला। और यहाँ से लगातार आप तक रिपोर्ट्स भी हम पहुँचा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर असर हुआ है तबाही का तो इन जगहों पर ही हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, सोलन में लैंडस्लाइड की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है, सड़क पर हजारों टन मलबा आ गिरा है, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है सोलन से ही। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से सोलन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है इस बार हिमाचल प्रदेश में, तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये देखिए लैंडस्लाइड से एक पूरा पहाड़ इसकी चपेट में आ गया है, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। राज्य में आई आपदा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बड़ा बयान है। कांगड़ा में अब तक 650 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 100 से ज़्यादा लोग अभी भी कांगड़ा में फंसे हुए हैं, ये खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एरियल सर्वे करते हुए खुद राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप देख रहे हैं, जिन्होंने किस तरीके से राज्य प्रभावित हुआ है इसका जायजा लिया है, और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।